अगर आप रखोगे अपने मिनटों का ध्यान तो घंटे अपने आप अपना ख्याल रख लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी मिनटों से ही घंटे बर्बाद होते हैं। तो अभी सभी काम और खास करके स्टडी ऑनलाइन हो गए, स्कूल कॉलेजेस बंद है, जिसकी वजह से ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। टाइम कब एरोप्लेन की स्पीड की तरह निकल जाता पता ही नहीं चलता है। जाते तो हैं ऑनलाइन क्लास करने के लिए, बट ऑफलाइन आने में घंटों घंटों निकल जाते हैं। चाहते तो हैं टाइम मैनेजमेंट करके चलने के लिए, पर अफसोस ऐसा कर ही नहीं पाते। तो इस वीडियो में जानेंगे 5 अमेजिंग टाइम मैनेजमेंट टिप्स, जिससे स्टडी ही नहीं सभी काम में हेल्प होगी। तो चलिए डिडक्टिव की तरह डालते एक नजर कि क्या क्या जानने वाले हैं। नंबर 1, नो द ग्रेविटी लॉ ऑफ वेस्ट ऑफ टाइमिंग। नंबर 2, इट्स अ क्वालिटी टाइम इज अ मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ टाइम। नंबर 3, फर्स्ट डू टफेस्ट वर्क। नंबर 4, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। नंबर 5, लर्न टू बाय टाइम। नंबर 6, हर बार की तरह इस बार भी लास्ट बूस्टिंग टिप्स जो वीडियो के एंड में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। नंबर 1, नो द ग्रेविटी लॉ ऑफ वेस्ट ऑफ टाइमिंग, मतलब समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण रूल। मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई भी चीजें ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो चीजें नीचे चली आती है, उसे खींच लेती है। ठीक उसी तरह जब हम कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाते हैं, उस काम को उस चीज को कोई ना कोई खींचने के लिए चले आते हैं। जैसे कि अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो मम्मी आवाज देने लगती, पड़ोसी की आंटी आ जाती है, बच्चे आके शोर मचाने लगते हैं, मोबाइल में भी उसी वक्त फोन आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आने लगते हैं, या फिर हमें कोई दूसरा काम याद आ जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती है कि हमें खींचती इंपॉर्टेंट काम को करने से, जिसके वजह से वो काम हो नहीं पाते। उस वक्त आपको करना क्या है कि आपको वो काम को पोस्टपोन करना, कोई भी नया काम आ रहा है उसे आपको पोस्टपोन कर देना है, और आपको अकेले में स्टडी करनी है। तीसरा, अपना मुंह बंद रखना, कोई भी आ जाए, चाची मामी नानी कोई भी, आपको उनसे अभी बात नहीं करनी। आपका जो प्रायोरिटी काम है उसे आपको पहले करना है। तो अगर आप रखोगे अपने मिनटों का ध्यान तो घंटे अपने आप अपना ख्याल रख लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी मिनटों से ही घंटे बर्बाद होते हैं। तो इसका खास ख्याल रखें। तो बढ़ते हैं सेकंड टिप्स की तरफ। इट्स अ क्वालिटी टाइम इज अ मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ टाइम। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई चैप्टर लेकर दिन दिन भर बैठे रहते और याद कुछ भी नहीं होता। सबको लगता है स्टडी तो कर रहा है बच्चा, टाइम को पार कर रहा है बच्चा, और ऐसा आप पेरेंट्स का नहीं अपना खुद का बर्बाद करते हैं टाइम। एक घंटा ही पढ़े आप, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। टाइम कितना दे रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे, रिजल्ट कितना मिल रहा है, इम्पोर्टेंट वो है। मन नहीं है एकदम भी पढ़ने का तो मत पढ़े, कोई दूसरा काम कर ले जिसमें आपको मन लग रहा है उस वक्त, ठीक है, बाद में पढ़ ले। ओके, अगर आज रख लिया अपने वक्त का ध्यान तो कल वक्त रखेगा आपका ध्यान। इसी वक्त को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट डू टफेस्ट वर्क। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको केकड़ा खाना है तो आप किस वक्त खाना ज्यादा पसंद करोगे? तो अगर आपका पेट भरा होगा तो पहले तो आप खाओगे ही नहीं, लेकिन भूख जोर की होगी, कुछ भी नहीं खाओगे तब आप उसे खाने के लिए रेडी होगे। लेकिन उसमें भी आप उस वक्त खाना बहुत ज्यादा पसंद करोगे जिस वक्त आपको हद से ज्यादा भूख लगी हो, बहुत ज्यादा भूख लगी हो, बर्दाश्त नहीं होगा, तब उसको आप खाना पसंद करोगे। पसंद क्या, उसे खाओगे। अरे अरे डोंट वरी, मैं आपको केकड़ा खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, सो जस्ट रिलैक्स। ओके, तो इसी तरह सबसे टफ काम आपको तब करने हैं जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव, शांत और एनर्जेटिक होते हैं, या जो सब्जेक्ट सबसे टफ है, अगर आप टफ काम को सबसे पहले कर लेते तो इजी काम को तो और भी करना है और भी इजी और आसान हो जाएगा। मुश्किल वो है कि टफ काम पहले हो जाए और इजी काम बाद में करें। जैसे कि मॉर्निंग में हम सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, पीसफुल हमारा माइंड होता है, तो उस वक्त अगर हम कोई भी सबसे टफ काम कर लेते हैं या फिर कोई सबसे टफ सब्जेक्ट को लर्न कर लेते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा 50% काम जो होता है वो तो यूं ही डन हो जाता है, और जो इजी काम है वो तो दिन भर में आदमी कर ही लेता है। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप मॉर्निंग में ही सबसे अपने टफेस्ट वर्क को या टफेस्ट स्टडी को आप करें। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की तरफ, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप तो कहोगे कि क्या आपने टिप्स बताए हैं मैम, गारंटी मैं लेती हूँ। इसके लिए आपको एक पेज लेना है और उसमें आपको 4 बॉक्स बनाने हैं। पहले बॉक्स में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क लिखने हैं, मतलब आपको वो काम लिखने हैं जो आपके लिए अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे आपकी कल साइंस की एग्जाम है तो साइंस पढ़ना ये आपके लिए अर्जेंट भी होगी और इम्पोर्टेंट भी होगी। ओके, नंबर 2 बॉक्स में आपको नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट काम लिखना, अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना, ये आपका अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, टाइम मिलता है तो आप उसे कर सकते हैं। ओके, नंबर 3 में लिखना है बॉक्स में वो काम लिखना है जो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे घर में दादी की दवा लाना है, अर्जेंट तो है पर वो आप किसी और से भी मंगवा सकते हैं और दवा 2 दिन की है, बाद में आप भी जा सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वैसा काम लिखना है आपको। ओके, नंबर 4 में वो काम लिखना है जो कि ना ही अर्जेंट है ना
ही इम्पोर्टेंट है, जैसे खेलना, हैंग आउट करना, दोस्तों के साथ घूमना, जो ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। तो टाइम मिले तो कर लीजिए, टाइम नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं है। तो इससे आपके सारे काम बहुत ही इजी तरीके से डिफाइन हो जाएंगे और आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, सही टाइम पर सभी काम को कर पाएंगे। तो इसी बात पर वीडियो को 1 लाइक कर दीजिए गाइज आप लोग, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट नंबर की तरफ, नंबर 5, लर्न टू बाय टाइम। एक तरफ कहा जाता है कि समय खरीदा नहीं जा सकता, पर समय खरीदा जा सकता है, वो कैसे, दूसरे से काम करवा और उसे उस काम के पैसे देकर। तो खरीदे ना दूसरे के वक्त को और अपना वक्त बचाएं, और उस बचे हुए वक्त में या तो कोई न्यू या प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जैसे आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिजली का बिल भी भरना है, दोनों काम जरूरी है, लेकिन आपको बिल भरने में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं और पढ़ने उतनी देरी में आपका पढ़ाई लॉस होगा, तो वैसे में आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई आपको 10-20 रुपए लेकर आपका बिजली का बिल को जा करके लाइन में 2-3 घंटे लगकर बिल को भर सकता है, तो वो बहुत ही बेस्ट होगा कि आप उसे पैसे देकर के बिजली का बिल भरवा लीजिए और अपने 2 से 3 घंटा को बचा के अपने स्टडी में लगाएं। एक तरफ से टाइम को बचा के दूसरे तरफ काम को इफेक्टिव तरीके में, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ना कि बिजली का बिल भरना। तो अगर आपके इम्पोर्टेंट काम को बच सकता है पैसे कुछ दे करके, तो आप जरूरी है कि आप उसमें पैसे खर्च कर दे। तो अगर आप आज अपने समय की कीमत अदा करेंगे तो कल समय आपके वक्त की कीमत को अदा करेगा। ओके, तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए। लास्ट बूस्टिंग टिप्स नंबर 6, हैबिट। हम कितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स देख ले, लिख ले, समझ ले, तब तक फायदा नहीं होगा जब तक हम उसे हैबिट में ना लाएं। एक बार हैबिट बनने के बाद फिर आपकी हैबिट ही आपके सभी काम के लिए आपको इंस्पायर करेगी, आपको मोटिवेट करेगी करने के लिए। तो जितने भी टिप्स आपने जाने हैं, समझ, हैबिट में ला। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करे। कोई तो डिमांडिंग टॉपिक है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। ओके, तब तक मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेट रहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय।